अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर प्यार और भरपूर साथ देंगे। आए हमारे साथ पिछले दो दिन की रूटीन को इंजॉय करें। वीडियो आनी थी कल, लेकिन कल से इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक का बरकत महीना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ठहर के ही वीडियो ऐड करूँगी। तो मैंने सोचा कि जो कंटेंट अभी अवेलेबल है मेरे पास वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सिलेंडर आपको बताया था कि पुराना सिलेंडर सेल करके न्यू मंगवाना है, तो वो सिलेंडर आ गया और उसके बाद औरंगज़ेब ने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी और उसके बाद फिर इसको क्लम्प और पाइप वगैरह लगा के चूल्हे के साथ सेट कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम पेश आ रही है कि येलो गैस आ रही है और वो आपको बताया कि बहुत बर्तन ख़राब करती है। मेरी एक फ्रेंड सिलेंडर यूज़ करती हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने मशवरा दिया है कि इसे बाजार से चूल्हे को ठीक करवाएं तो ये ठीक हो जाएगा। अब देखें औरंगजेब इसका क्या जुगाड़ करते हैं। जी तो आज है संडे और हम सीएसडी जा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, तो चलें आपको साथ लेके चलते हैं। एक तो संडे, दूसरा मंथ का स्टार्ट, तीसरा रमजानुल मुबारक का आगाज, तो रश होना तो बनता था। रमज़ान के हिसाब से वहाँ पर तैयारियाँ कुछ मखसूस की गई थीं, लेकिन जिस तरह पहले रमज़ान बचत ऑफ़र्स या रमज़ान प्रमोशन ऑफ़र्स वगैरह लगाई जाती थी, इस दफ़ा वो देखने में नज़र नहीं आई। हालांकि मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक दिन पहले ग्रॉसरी के लिए जा रही हूँ तो डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, लेकिन चलें खैर। आउट ऑफ कंट्री जितने भी व्लॉग्स आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, तो सभी दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स और डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो अल्लाह पाक पाकिस्तानियों के हाल पर भी रहम फरमाए, हम सब के लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। उम्मत मुस्लिमा खुसूसन बिलखसूस अहले फ़लस्तीन अहले गज़ा पर अपना ख़ास करम फजल रहमत फरमाए, उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। मेरा लास्ट सीएसडी का चक्कर दिसंबर में लगा था, उसके बाद से अब तक मैं नहीं आई। औरंगज़ेब वीकली आके जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो ले जाया करते थे या मोहल्ले की ग्रॉसरी शॉप से ही ग्रॉसरी कर लिया करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें ही मसाला जात वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो एक चक्कर लगना मेरा ज़रूरी था। तब मैंने ये अंडर पास आपको दिखाया था, इस पर लाइटिंग और डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं हुई थी। अब बहुत खूबसूरत सजावट इसकी कर दी गई है, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वापसी पर बाज़ार का चक्कर लगना भी ज़रूरी था, क्योंकि मानों को स्टॉलर्स चाहिए थे, उससे मुझे पैसे दिए थे कि आप अपनी पसंद के ले आएँ। खुद वो एक दिन पहले अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, लेकिन कह रही मम्मा इतनी सारी चॉइसेस थी मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा, तो आप ले आइएगा। तो मैंने कहा अगर मेरा लाया हुआ भी अच्छा ना लगा, तो कह रही नहीं आप, मुझे पता है जो लाएंगी वो मुझे पसंद आ जाएंगे। तो बहरहाल ये शॉप, यहाँ से मैं हमेशा ही स्टॉलर परचेज किया करती हूँ, बहुत रीज़नेबल होते हैं और कभी कभार कोई ना कोई ख़राब निकल भी आता है, लेकिन ज़्यादातर इनका स्टफ़ इनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। तो जो मैं ले के आई वो आपको भी दिखाती हूँ, मानो को वो भी पसंद आए। घर आके मैंने ग्रॉसरी को उनकी जगह जगह पर रखा, और टूथब्रश जो है ये हमारे खासे टाइम से जो है वो ख़राब हुए थे, लेकिन हर दफ़ा ग्रॉसरी में अगली दफ़ा पे पेंडिंग डाल दिया जाता था। इस दफ़ा मैंने फाइनल सोचा हुआ था, दो मैंने पहले ला के रखे थे, मैंने कहा चार इकट्ठे ही चेंज करूँगी और दो मैं इस दफ़ा ले आई। तो इस दफ़ा फिर हमने फाइनली टूथब्रश चेंज कर लिए और हैंड वॉश भी ऑलमोस्ट एंड था, शुक्र है टाइम पर आ गया, वरना इसको आते आते हफ्ता लग जाए तो फिर हफ्ता बहुत तंगी से गुजरता है। तो जो स्टॉलर में लेके आई वो अल्हम्दुलिल्लाह मानो को तीनों ही बहुत पसंद आया। ये कलरफुल स्टॉलर तो मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा था, इसका स्टफ़ बहुत चेंज है, मुलायम और सॉफ्ट सा है, ये गर्मी में पसीना जज्ब कर लेगा। लेकिन इसकी साइड्स पीको होने वाली हैं, ये पहले पीको करवाएंगे उसके बाद इसे यूज़ करेंगे। और ये सेकेंड वाला रेडी टू वियर है, इसकी साइड्स पे वो थोड़े से ये धागे वगैरह के साथ डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये थर्ड वाला तो यूनिवर्सल कलर और डिज़ाइन में है, ब्लैक एंड कलर और चेक वाला डिजाइन। जी देखा आपने कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगी एक नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।